ग्वालियर शहर में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को नमन करते हुए समीक्षा गुप्ता फैंस क्लब द्वारा 8 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2021 तक सेवा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस क्रम में सेवा पर्व के तीसरे दिन कार्यक्रम संयोजक वार्ड क्रमांक 40 के जन सेवक एवं वरिष्ठ समाज सेवी ग्रेटर ग्वालियर साहू समाज समिति विनोद साहू के द्वारा शासकीय कमला राजा अस्पताल में मरीजों एवं अटेंडरों को भोजन वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता एवं विजय जाजू सेक्रेटरी एसोसिएशन नया बाजार भी मौजूद रहे। उन्होंने भी खुद स्वयं अपने हाथों से भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों को भोजन वितरित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर विनोद साहू के द्वारा पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता का वृक्ष देकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जनसेवक एवं वरिष्ठ समाजसेवी विनोद साहू की टीम के सदस्यों के द्वारा भोजन वितरण करने से पहले सभी को मास्क एवं सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए गए। किस प्रकार का आज कार्यक्रम रखा गया था, क्या था? ये हम सभी जो है श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी पूर्व महापौर फैंस क्लब के द्वारा 8 दिन के हम लोगों ने हमारी टीम के द्वारा कार्यक्रम रखे गए हैं। आज हमारा तीसरा दिन है तो आज हम लोगों ने कमला राजा हॉस्पिटल पे भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा था और मास्क भी वितरण किए, सैनिटाइजर भी करवाया, सबके हाथों को सैनिटाइजर करवाया, कमला राजा हॉस्पिटल पर भी सैनिटाइज किया। ये सभी हम सेवा का करते आ रहे हैं और ये स्वतंत्रता दिवस के 75वें अपना दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों को नमन करते हुए हम लोग सब कर रहे हैं। ये हमारा 15 तारीख तक चलेगा और मानव सेवा की परमार्थ सेवा। और एक और आपका सेवा कार्य करने जा रहे हो, उसमें क्या है? अभी अभी जो है ऐसी विपदा आई है बाढ़ पीड़ितों की कि मतलब असहनीय विपदा है, तो हम लोग जो है रानी घाटी अभी हम लोग गए थे, हमारी टीम गई थी वहाँ पर, हम मुआना करे आए हैं, देख आए हैं, तो हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि हम लोग वहाँ पर राशन किट बना के और वहाँ पर गांव में जाके अपने हाथों से वितरण करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के तेजस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान जी और हमारे सारे मंत्रीगण इतनी जो है हर जगह मदद करने के लिए तत्पर हैं। कहीं से कुछ भी लाना हो, हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाना हो, मतलब इतना बड़ा सेवा कार्य इन सबका है, जिन्हें आप जितना भी धन्यवाद दें बहुत कम है। अब मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जैसे जो हमारे समाज सेवी लोग हैं और हमारे जो स्वयं सेवी संस्थाएँ हैं, ये भी सब आगे आ रही हैं, लोग व्यक्तिगत रूप से भी कर रहे हैं और सभी लोगों को इस विपदा की घड़ी में एक होके कार्य करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। कैनन न्यूज़ के लिए ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट।